शहरी उमूर अली सैदी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ मोदी हुकूमत कर रही है हिटलर ने भी यही किया था। वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादे कर दिया आलमी बरादरी को कश्मीर के मामले पर खड़ा होना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि खदशा है मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू हटने के बाद खून रेजी होगी, मोदी के घमंड ने खत्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट के जरिए कहा है कि तुर्की मलेशिया और पाकिस्तान मुश्तरक तौर पर अंग्रेजी चैनल खोलेंगे। वजीर आजम इमरान खान के मामले में खुसूसी उस्मान डार का कहना है कि जर मुबादला भेजने के तमाम गैर कानूनी ऑप्शन खत्म और बैंकिंग चैनल को मुतहरिक कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत में बम धमाका हुआ जिसके जरिए नतीजे में 3 अफराद जख्मी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दहशत गर्दी मंजम जुर्म है जो खित्ते के तमाम मुल्कों के लिए खतरा है। कराची में दफा 144 के तहत खुले मकामात पर कचरा फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिंध हुकूमत ने 90 रोजा पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत की जाने से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी शहरी घर के मरकजी दरवाजे पर भी कचरा नहीं फेंक सकेगा जबकि गाड़ी से कचरा सड़क पर फेंकना भी जुर्म होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज, मैं हूँ आपके साथ अरिबा अफजल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट साहिबान न्यूज.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।